बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन की बैठक प्रगति भवन सिविक सेंटर में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर उपस्थित हुए। उन्होंने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक कार्यकारिणी के वर्तमान पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर और महासचिव परविंदर सिंह, कोषा अध्यक्ष अंकुर मिश्रा उपस्थित हुए। बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों, अधिकारियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पेंडिंग कार्यों को भी पूर्ण करने को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। बैठक की जानकारी बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने दी। आम सभा हुए की हर साल होती है, हमारा जब भी फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग एक आम सभा करते हैं, और वो एक आम सभा अपने आप में विशेष होती है क्योंकि पिछले वर्ष में जो भी हमारे कार्य किए जाते हैं उसका लेखा जोखा होता है, पिछले वर्ष का ऑडिट का लेखा जोखा होता है और एक जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट आती है। तो ये हमारे लिए, सब अधिकारियों के लिए, सभी मेम्बर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैं इस वर्ष जो हम लोग कर पाए जो पिछले समय का, उसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि जो हमारा पिछला कार्यकाल था उसमें जो कार्य हुए वो इसमें हम लोग बताएंगे, उसमें जो जो काम इस वर्ष में आए, जैसे कि इस वर्ष में आप देखेंगे हमारा एक बहुत बड़ा इशू था जो इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता था, जो रिटायरमेंट के समय, सुपरविजन के समय पहले केंद्र सरकार ने 3 लाख रुपए के ऊपर जो भी हमारा ईएल और एचपीएल का इंकेशमेंट का पैसा आता था उसको पूरा टैक्सेबल हो जाता था। उसके लिए हम लोग ने प्रयास किया, सेफी ने प्रयास किया और सेफी के साथ साथ हमारी अपेक्स बॉडी एनसीओए ने प्रयास किया। तो उसका परिणाम ये रहा कि वित्त मंत्री ने जनवरी में फाइनेंस जो हमारा बजट पेश किया, वित्त बजट, उसमें इसको लिया और ये अप्रैल से प्रभावी हो गया है। तो अभी आज की तारीख में जितने अधिकारी अप्रैल 23 के बाद सेवान्वित हो रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है, कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि जो पहले 3 लाख रुपए आपकी छुट्टियां, मान ली आपकी छुट्टियां 20 लाख रुपए आपको पैसा मिला ईएल और एचपीएल इंकेशमेंट का, तो 17 लाख रुपए टैक्सेबल रहता 3 लाख को छोड़कर, अब वो पूरा 20 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं रहेगा, उस पर 1 रुपए भी टैक्स लगेगा। सरकार ने 3 लाख से सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी, तो हमारे बहुत से अधिकारी और कर्मचारी उनका फायदा होगा, जिनके छुट्टियों का भुगतान होता है उनको टैक्स से उनको राहत मिलेगी। तो बहुत बड़ी राहत है ये, इसके लिए OABSP ने, सेफी ने और NCO ने बहुत प्रयास किया, उसके कारण ये परिणाम मिल पाया। इसी तरीके से एक और प्रयास था हम लोग का कि हम लोग एजे पक्स को हटाने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे, वो भी NCO और सेफी के माध्यम से था, और उस पर भी हम लोग काफ़ी कुछ सफल रहे। पिछले महीने एक आदेश आया, उस आदेश में जो भिलाई जैसे शहर में पहले 7.5% एचए पक्स होता, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी कंपनी के मकान में रहते हैं उनको उस उनके बेसिक का 7.5% सालाना उनको एक टैक्स पर्स का टैक्स लगता है, जो मान लीजिए आज की तारीख में वो 2.5% लगता है, उसको केंद्र सरकार ने हम लोग के रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों ने काफ़ी उसके प्रयास किया, उसको हटाकर भिलाई जैसे शहर के लिए 7.5% से 5% कर दिया है, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी, पहले से ये काफ़ी कम होकर आएगा। ये हमारा एक प्रयास था। और पिछले वर्ष की हम लोग ने लीज़ की रजिस्ट्री के लिए, लीज डीड का रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी प्रयास किया और अंततः हम सफल हुए। राज्य सरकार से और हमारे से BSP प्रबंधन से, सेफ प्रबंधन से चर्चा के बाद ये हो पाया है। और एक जितने भी लीजधारी हैं 4500 जो जिन्होंने आवास दिया था 2001 में, 2002 में या उससे पहले, उनको इसका लाभ मिलेगा। लीज डीड की रजिस्ट्रेशन पुराने दरों पर ही किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग ने हेल्प डेस्क OABSP के अपने OA भवन में इसको चालू किया, और जब से आज तक करीब 1300 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। हम लोग ने 1300 आवेदन लिए हैं, 1300 आवेदन, पूरे आवेदन हमने यहाँ से प्रोसेस करके टाउनशिप डिपार्टमेंट, नगर सेवा विभाग में भेजे हैं। बिलासपुर सेंटर देखिए, जो हमने लोगों ने कार्य किया वो तो सबके सामने है कि हम लोगों ने सेल्फ पेंशन स्कीम चालू कराई, तीसरा पेरिजन पूरी तरह लागू कराया, उसका एरियर का भुगतान कराया और जितने भी पर्स में बेनिफिट हो सकते थे वो चालू किया गया। हम लोगों ने एक नया प्रयास किया EPS 95, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि EPS 95 का जो बेनिफिट है वो अधिकारी कर्मचारी सभी को मिलेगा, उसके लिए OABSP ने, सेफी ने बहुत ही बृहद लेवल पर प्रयास किया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीता, पहले हाई कोर्ट में सेफी ने जीता, सुप्रीम कोर्ट में हमारे एफएक्स ऑर्गेनाइजेशन NCO और NCR ने ये केस जीता, उसके बाद से पेंशन स्कीम जो है, जो EPFO के माध्यम से पेंशन मिलेगा, वो अभी जो पेंशन मिलता है उससे बढ़कर पेंशन मिलेगा हमको, उसके लिए अपनी तरफ से 8.33 आपके जो CPF का वो भुगतान जमा हमको EPFO के माध्यम के पास जमा करना पड़ेगा। जो लोग
आज कार्यरत है, उनको अपने CPF ट्रस्ट के माध्यम से पैसा जमा करना है और ये शीघ्र ही चालू होने वाला है। इसका एक अच्छा फायदा हमारे कार्मिकों को मिलेगा, उसमें अधिकारी भी शामिल है, कर्मचारी भी शामिल है। और आने वाली चुनौतियाँ जो आपने कहा, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौतियों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमको अपने हॉस्पिटल की व्यवस्था को काफ़ी आगे बढ़ाना है, जो कुछ अच्छे टाई अप से हम जो हमारे स्पेशलिस्ट हमको नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग अच्छे किसी मेडिकल फॉर्म से टाई अप्स करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टरों की आयु हम लोग बढ़ा नहीं पाए, उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 से 5 वर्ष बढ़ जाए, ताकि हमको DNP डॉक्टर जो आज मिलते हैं वो हमेशा मिलते रहें, क्योंकि काफ़ी रिटायरमेंट है अभी सीनियर डॉक्टर्स के इस आने वाले 2 सालों में। वो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी अस्पताल की व्यवस्था कैसे कहें जो भिलाई की पहचान थी वो आगे बढ़े। टाउनशिप को बहुत दुरुस्त करना है, टाउनशिप में अवैध कब्जों को खाली कराना हमारा प्रथम प्रयास होगा, और टाउनशिप में जितनी थर्ड पार्टी अलॉटमेंट उसको हम लोग स्क्रूटनाइज करना चाहते हैं। बहुत सारे उसमें रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी राज्य शासन केंद्र शासन के रहते हैं या राजनेता रहते हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो उनको मकान खाली से कराए गए, वो मकान हमारे अधिकारी कर्मचारी को मिले जिनके लिए मकान बनाए गए हैं। ये हमारा प्रयास और इस पर हम अनुरोध कार्य कर रहे हैं। जरूरत पड़ने से हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे, हम लोगों ने इस बार विचार किया था लेकिन थोड़ा समय निकल गया, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं। अगर जो लोग थर्ड पार्टी के हैं और जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं वो मकान नहीं खाली करती। गौरतलब है कि आगामी 8 सितंबर को ऑफिसर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा है। वहीं चुनाव के पूर्व ही नरेंद्र कुमार बंछोर को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव के उपरांत मतगणना के बाद परिणाम देर रात तक घोषित कर दिए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।